हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी पंचतीव भवन CIG मार्क न्यू दिल्ली इसके बारे में। तो दोस्तों, ऑनलाइन भरना होगा इसका फॉर्म। यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, नेम और पोस्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 52 एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 27 पोस्ट यहाँ पर टोटल है। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोग को बताऊंगा क्या 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 रिक्वायरमेंट आपको लगेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो कि एप्लीकेशन शुरू हो गया है 16 नवंबर 2018 तक, और लास्ट डेट है इसका रजिस्ट्रेशन के 15 दिसंबर 2018 तक। ऑनलाइन में जाके इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको भरना होगा। इसके साथ साथ और क्या रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे लगेगा उसका डिटेल मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर आपको भरना होगा 250 रुपीज़ फॉर SC ST और जो कि PWD है, एंड जो लोग OBC एंड जनरल है उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस तो आप यहाँ पे आपको देना होगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन इसका आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.esic.nic.in, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इस जो कि इसका ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस जो कि यहाँ पे 200 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, जिसके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के लिए 50-50 एंड जनरल इंजीनियरिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। टोटल 200 मार्क्स से होगा एग्ज़ाम होगा 2 आवर्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन होगा फॉर 50 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, एंड सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स आपको यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 आवर्स के आपको जो कि 1 आवर्स के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम मिलेगा, तो इसमें से आपको जो कि आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू थ्रू यहाँ पर जो कि आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये था जो कि इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक क्वालिफिकेशन आप लोग को बता दे दिया हुआ हूँ, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते। डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ नेशनलिटी और सिटीजन जो कि है जो लोग अप्लाई कर सकते, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ टिबेटियन रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया, और जो लोग यहाँ पे पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है इसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।